माय यूट्यूबर्स फ्रेंड, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये ब्रशेस पे डिटेल वीडियो बना रही हूँ। अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो या एक परफेक्ट प्रोफेशनल वे में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी। ब्रश की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना ना। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूले। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहले हम जानते हैं ब्रशेस का जो मेन स्ट्रक्चर है वो किस से बना होता है, यानी कि ये ब्रशेस जो होते हैं वो किस तरह, इनके ब्रिसल्स किस मटेरियल के बने होते हैं। ब्रशेस को अगर आप टच करेंगे, जो भी आपको ऐसा रफली महसूस होता है कि ये रफ है थोड़ा सा टच करने में, तो ये नेचुरल हेयर के बने हुए हैं। और अगर वहीं पर जब आप इसे टच करेंगे, जैसे इस तरह के ब्रशेस को, ये स्मूथ सा महसूस होता है। आप इसको टच करेंगे तो ये स्मूथ लगेगा, यानी कि ये जो ब्रश है ये सिंथेटिक ब्रश। अब हम बात करते हैं जो सिंथेटिक ब्रश होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, यानी कि ये जो सिंथेटिक ब्रश है इनका यूज क्या है। जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट है उनके लिए हम सिंथेटिक ब्रशेस यूज करते हैं, क्योंकि सिंथेटिक जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिससे कि प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है और नहीं होता है। इसीलिए सिंथेटिक ब्रश हम लिक्विड प्रोडक्ट के लिए करते हैं। वहीं पर अगर हम पाउडर प्रोडक्ट होते हैं मेकअप के, उनके लिए हम नेचुरल हेयर के ब्रशेस यूज करते हैं। पाउडर है, आई शेडो जितने हैं, ग्लिटर है, उन सबके लिए हम नेचुरल हेयर के ब्रश यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इनसे लिक्विड प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, और जिससे कि प्रोडक्ट भी वेस्ट होगा और हमारे ब्रशेस भी खराब हो सकते हैं। टॉकिंग अबाउट ब्रशेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि कई ब्रशेस जो होते हैं फ्लैट टाइप में होते हैं, जैसे कि ये वाले फ्लैट टाइप में होते हैं, इन्हें फ्लैट ब्रश बोलते हैं। और जैसे ये वाले जो है फ्लैट ब्रशेस है, और ये वाले जो ब्रशेस होते हैं जो खुले हुए होते हैं, और बहुत ही डेंसिटी बहुत होती है इनमें, पर स्टिफनेस नहीं होती है, स्टिफनेस बहुत हल्की होती है। अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो ये बहुत जल्दी इनके ब्रशेस जो होते हैं बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरह के ब्रशेस को हम ब्लेंडिंग ब्रशेस बोलते हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए यूज होते हैं। और इस तरह के ब्रशेस को हम फ्लैट ब्रशेस करते हैं, यानी कि कोई भी एप्लीकेट करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट हम एप्लीकेट कर रहे हैं उस तरह के ब्रशेस यूज करेंगे, यानी कि फ्लैट ब्रशेस यूज करेंगे। और इस तरह के ब्रशेस सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए यूज होते हैं मोस्टली। अब हम बात करते हैं ब्रशेस का यूज कैसे होता है। एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप ब्रशेस के यूज के बारे में बात करेंगे तो कई ब्रशेस ऐसे होते हैं जिनका मल्टीटास्क होता है, यानी कि कई तरह से यूज होते हैं। दिस टाइप टू फ्लैट ब्रशेस, यानी कि इन दोनों की शेप आप देखेंगे सेम है, इसमें स्टिफनेस भी है साथ में। अगर आप इसे ऐसे करके देखेंगे तो इसमें स्टिफनेस लग रही है। तो इस तरह के जो ब्रशेस होते हैं ये फाउंडेशन के लिए या कंसीलर के लिए अप्लाई होते हैं। बड़े एरिया के लिए बड़ा ब्रशेस यूज होता है, यानी कि जैसे कि अगर हम बड़े पूरे ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। और वहीं पे अगर इस तरह के ब्रशेस की बात करें तो ये छोटा है, तो हम स्मॉल एरिया पे स्मॉल ब्रश यूज करते हैं, मोस्टली ये कंसीलर और करेक्टर के लिए ही यूज होता है। इस ब्रश का यूज हम आईज पे कंसीलर अप्लाई करने के लिए भी इसका यूज, स्मॉल एरिया होता है उनकी जो हम ब्लेंडिंग करते हैं उनका हम कहाँ यूज करेंगे। जैसे ये वाला ब्रश है, स्टिफनेस बहुत कम है, डेंसिटी फुल है, स्टिफनेस कम है, हल्का सा फ्लफीनेस है, तो यानी कि तो इस तरह के ब्रशेस हम ब्लेंडिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे अंडर आई एरिया पे इसका ब्लेंड करने के लिए, और ओवर लिड एरिया यानी कि आईज के जो लिड एरिया के आफ्टर कंसीलर लगाने के बाद हम इसकी ब्लेंडिंग के लिए इस तरह का ब्रशेस यूज कर सकते हैं। मेन ब्लेंडिंग के लिए आप ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के ब्रशेस जो कि फ्लफी ब्रशेस होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि फ्लफी ब्रशेस का हम हमेशा ब्लेंडिंग के लिए यूज करते हैं। ये वाला ब्रश आप देख सकते हैं, इस तरह के ब्रशेस साइज में बड़ा है, ये बहुत ही फ्लफी है, साइज में बड़ा है। तो आप इसका, इस तरह के ब्रशेस का यूज सिर्फ पाउडर अप्लाई करने के लिए, यानी कि बेस को जो लॉक करने के लिए हम पाउडर, फिनबिट पाउडर या ट्रांसल्यूशन पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर भी अप्लाई करने के लिए इस तरह के ब्रशेस जो बिग फ्लफी ब्रशेस होते हैं इनका यूज करते हैं। स्मॉल है, स्मॉल फ्लफी ब्रश है। इस ब्रश का यूज हम ब्लशर अप्लाई कर सकते हैं, प्लस इसका साइज देख सकते हैं थोड़ा सा नैरो है, तो आप इसका एज ए कॉन्टोर भी यूज कर सकते हैं। इस ब्रश का साइज आप देख सकते हैं, ये थोड़ा एंगुलर शेप में है, तो इसका मेन यूज आपको शायद, आई थिंक आपने आइडिया लगा लिया होगा, इसका मेन कॉन्टोर के लिए यूज करते हैं, यानी कि ये वाला जो अंडर चीक बोन एरिया, जो लाइन एरिया, फोरहेड टेम्पल एरिया, नोज एरिया पे भी इस ब्रश से हम कॉन्टोर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमें स्विच करना है ताकि इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कम हो जाएगी और इसे हम
नोज एरिया से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक ये वाले ब्रश का भी मल्टी टास्क है और इस ब्रश का भी मल्टी टास्क है, आप इसका भी कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा आपको स्विच कर देना है इस तरह, और इस तरह के भी ब्रश का हम एज ए कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं, ब्लशर के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट ब्लशर और कंट्रोल के कलर में बहुत डिफरेंट होता है, तो आप अलग अलग ही ब्रश यूज करें। ये वाला ब्रश जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी शेप फ्लैट टॉप है, फ्लफी है, बट इसके फाइबर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ब्रश को हम ड्यूअल फाइबर बोलते हैं बिकॉज क्योंकि ये दो तरह के फाइबर है, यानी कि नेचुरल हेयर भी है और सिंथेटिक भी है। तो ये जो ब्रशेज है ये एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत मल्टीटास्क भी इस ब्रश को बोल सकते हैं। बट आप मल्टीटास्क जब भी एक ब्रश का यूज करते हैं तो आपको एक कलर यूज करने के बाद उसे क्लीन करना है, फिर सेकंड कलर अप्लाई करना है। बट अब इस ब्रश के बारे में आ रहे हैं, ये ब्रश 2-1 वैनिटी में होना बहुत जरूरी है। ये लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं और पाउडर के लिए भी यूज करते हैं। प्लस अब जब भी फाउंडेशन अप्लाई होता है हमारा, फ्लॉलेस फेस बनाने के लिए उसे बफरिंग करना जरूरी होता है। बफरिंग करने से क्या होता है, जो फाउंडेशन होता है वो इवन लेयर में लगता है। तो इस तरह के ब्रशेस का आप एज ए बफरिंग करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मेन क्या होता है, एक तो ये आपके फेस को फ्लॉलेस बनाएगा और आपके बेस को बफरिंग भी करेगा। ये सारे ब्रशेस मेरे पैक के ब्रशेस है, PAC के ब्रशेस है, बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रश में इन्वेस्ट करने से पहले, अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर आपको ब्रश में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज आपको एक बार ही पैसा लगाए, अच्छा लगाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के ब्रश। मेरे पास और भी हैं क्योंकि मैं बिगनर थी, तो मैंने सोचा कि मुझे सीखना है तो मैं इन्वेस्ट करूँ बिल्कुल हल्के जो ब्रशेज होते हैं, कम रेंज में जो ब्रशेज होते हैं उनमें इन्वेस्ट करूँ पहले मैं सीख जाऊँ। बट नहीं, इस तरह के ब्रशेज पे अगर आप डायरेक्ट काम करना सीखते हैं तो आपका एक ब्लेंडिंग भी अच्छी होगी, प्रोडक्ट भी अच्छी तरह यूज होगा और आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप इस तरह के ब्रशेज यूज करें, यानी कि ब्रांड में जाएं ब्रशेज खरीदें। ये मेरे कुछ अदर ब्रांड के ब्रशेज हैं, यानी कि ब्रांड नहीं कहूंगी, ये मैंने लोकल मार्केट से भी कुछ खरीदे हैं, कुछ मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं, बिल्कुल कम रेंज में थे इसीलिए परचेज किया। अगर मैं करते ब्रशेज, ये तो ऐसा होता है, इसके साथ हमेशा ऐसा होता है, वैल्यू निकल जाता है। ये जो ब्रशेज हैं ये मैंने अमेजोन से खरीदे थे जो व्हाइट कलर के हैं, इसमें जो ब्लैक कलर के, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये मैंने, ये भी अमेजोन से खरीदे थे, बट मुझे इसका जो अप्लाई करती मुझे नहीं अच्छा लगता है। और ये वाले ब्रशेज मैंने जो है लोकल मार्केट से खरीदे थे, ये भी बहुत अच्छा इनका फाइबर है, यानी कि ब्लेंडिंग के में अच्छी करती है और प्रोडक्ट का भी अच्छा उठाते हैं, पिकअप अच्छा। कुछ ब्रशेस के बारे में बात करूंगी, जैसे ये वाला ब्रश है, इसकी शेप देख सकते हैं, फ्लैट टॉप नहीं है, राउंड टॉप है, तो आप इसका एज ए पाउडर या ब्लशर अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। बट इसकी जो है जो शेप है वो बहुत बड़ी है, बड़ा ब्रश है, तो आप इसका सिर्फ पाउडर अप्लाई करने के लिए ही या फाउंडेशन ब्लेंडिंग के लिए ही इस तरह के ब्रश यूज करेंगे, यानी कि जितने भी फ्लैट टॉप या राउंड टॉप होंगे आप उन ब्रशेस का यूज ब्लेंडिंग के लिए ही करेंगे या पाउडर आप लगा। मल्टीटास्क यूज कर सकते हैं, छोटा है ऊपर से फ्लैट है, आप इसका एज अ पाउडर लगाने के लिए, यानी कि फेस को लॉक करना है और ब्लशर अप्लाई करना है तो इसका यूज, और कॉन्टोरिंग के लिए भी इस तरह के ब्रश का यूज कर सकते हैं। इसका शेप देखेंगे थोड़ा सा डोम शेप में आ रहा है, ये वाला ब्रश डोम शेप में है। इस तरह के ब्रशेज को अप्लाई हम पाउडर अप्लाई करने के लिए ही करेंगे, बिग है, कॉन्टोरिंग आप नहीं कर सकते हैं, ब्लशर नहीं कर सकते। अगर आप बिगनर हैं और अगर प्रोफेशनल हो जाएंगे मेकअप करने में तो आप हर एक ही ब्रश से भी टास्क, यानी कि मल्टी टाइप में आप इस इन ब्रशेज का यूज करना सीख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको स्विच कर दूंगी तो मैं कॉन्टोर भी कर सकती हूँ इससे, ब्लशर भी अप्लाई कर सकती हूँ, पाउडर भी लगा सकती हूँ। तो एक ब्रशेज को आपको बस ब्रशेज का यूज करना आना चाहिए। तो रही मेरी फेस ब्रशेस के ऊपर, मैं आई ब्रशेस चलाऊंगी क्योंकि आई ब्रशेस बहुत मेन होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम आई मेकअप करती हैं। जो फेस ब्रशेस में हम ओनली 2-3 ब्रशेस से भी काम कर सकते हैं कि फेस ब्रशेस मेन हम कौन से लें जिससे हमारे पास ब्रशेस कम हो, क्वांटिटी कम हो और वर्क काम पूरा हो जाए। तो उसमें अगर हम बात करें तो आपके पास किस तरह का ब्रशेस का आप ऑप्शन है, आप ब्लेंडर यूज कर सकते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आप ये वाला ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, पाउडर, ब्लशर, कॉन्टोर के लिए इस तरह का ब्रश नहीं, तो आप कॉन्टोर के लिए अलग से ब्रश बाय करें क्योंकि कॉन्टोर का और ब्लशर का कलर जो होता है बहुत ही अलग होता है। और पाउडर ब्रश की बात करी जाए तो आप इस तरह का बीगर को छोड़ सकते हैं। आप ये वाला ब्रश बहुत जरूरी है आपके पफिंग के लिए, पाउडर लगाने के लिए ये वाला ब्रश आपकी वैनिटी में होना चाहिए, यानी कि कहे जाए तो इस तरह के ब्रशेज का आप यूज कर सकते हैं। और इस
और इस तरह के ब्रशेस का यूज आप पाउडर के लिए भी कर सकते हैं। तो कहा जाए, यानी कि अगर कहा जाए आपके पास कितने ब्रशेस फेस ब्रशेस होने चाहिए, तो ये 5 ब्रशेस बहुत जरूरी हैं एज अ फेस ब्रशेस।